बॉलीवुड के भाईजान मतलब कि सलमान खान की अगली फिल्म सिकंदर होने वाली है। इसके बाद उनकी इकलौती कन्फर्म फिल्म है टाइगर वर्सेस पठान। उनकी मुमकिन फिल्मों में बजरंगी भाईजान का सीक्वल भी है, जिस पर लगातार बातें हो रही हैं। रिसेंटली प्रोड्यूसर के राधा मोहन ने कंफर्म किया है कि बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट पूरी हो गई है। अर्पिता के पति यानी सलमान के जीजा आयुष शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म रुस्लान का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी प्रमोशन के दौरान प्रोड्यूसर के राधा मोहन ने बताया कि बजरंगी भाईजान 2 और राउडी राठौर की दूसरी किश्त की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। राधा मोहन ने कहा, विजेंद्र प्रसाद ने मेरे लिए 2 कहानियां लिखी हैं। पहली विक्रम और कुदू 2 यानी राउडी राठौर का दूसरा पार्ट। विषय बिल्कुल रेडी है, अब बस तलाश है तो अच्छी कास्ट की, जो कि जारी है। इसके अलावा सलमान खान की बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्टिंग भी पूरी हो चुकी है। राधा मोहन ने यह भी बताया कि जल्द ही सलमान खान को अब ये स्क्रिप्ट सुनाई जाएगी। इसके बाद ये देखना होगा कि क्या सलमान को ये स्क्रिप्ट पसंद आती है या नहीं, इसके बाद ही बात आगे बढ़ पाएगी। वैसे आपको बता दें, साल 2021 में ही सलमान ने बजरंगी भाईजान के सीक्वल को कंफर्म किया था। RRR के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने बताया था कि विजेंद्र प्रसाद जल्द ही बजरंगी भाईजान 2 लिखेंगे, जिस पर उनके साथ दोबारा काम करेंगे। वहीं कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि बजरंगी भाईजान के सीक्वल में करीना कपूर नहीं होंगी, उनकी जगह फिल्म में पूजा हेगड़े को कास्ट कर लिया गया है। हालांकि ये दुविधा बनी हुई थी कि पूजा करीना वाला किरदार ही निभाएंगी या उनके लिए सीक्वल में कोई नया किरदार होगा। अगर बजरंगी भाईजान सीक्वल से जुड़ी सभी अपडेट्स को देखकर बात की जाए तो अगले 1.5-2 साल तक ये फिल्म शुरू होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सलमान अभी अपनी दूसरी फिल्मों में मसरूफ है। ऐसी तमाम और इंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया।